नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ भाई, सऊदी अरबिया इंडिया राजस्थान के दो बंदे जो बता दूं पिछले 8-9 महीने से दुबई सऊदी अरबिया में फंसे हुए थे। अब फंसने का क्या मतलब होता है भाई, फंसना भी कई तरीके से हो सकता है। अब जो लोग सऊदी जाना चाहते हैं, सऊदी में जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की शिकायत मेरे पास आती रहती है कि सर मैं फंसा हूँ। अब फंसना किस तरह से होता है, डिटेल से हम बात करेंगे। 8 महीने से बंदे निकल गए, जयपुर एयरपोर्ट दिल्ली पहुँच गए, जयपुर पहुँच गए, अपने घर पहुँच गए। जी हाँ, चेहरे पर खुशी थी, फोटो में भी आप देख सकते हैं। ये इनका प्रोसेस क्या रहा, किसने हेल्प की, कैसे निकले, कितना जोर लगाया, तब जाके बद्दू ने इनको घर भेजा। जी हाँ, और सऊदी जाने वाले भाई वीडियो देखिए पूरा, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको सऊदी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, बता दूं राजस्थान बूंदी डिस्ट्रिक्ट है, उस वहाँ का एक गफ्फार नाम का बंदा था, विश्राम जाटव, जो भरतपुर का रहने वाला था। दो बंदे काफ़ी टाइम पहले सऊदी अरबिया में गए थे। आपको पता है खास तौर से घरेलू जॉब डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, घरेलू काम करते हैं, उनके लिए खास तौर से वो लोग जिनको उठा के जंगल में, खेत में या बाहर में डाल देते हैं, काम करवाते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम की समस्या है। जी हाँ, इनका बता दूं अग्रीमेंट 2 साल का था और 2 साल होने के बावजूद भी आपको पता है सऊदी में खास तौर से बद्दू ऐसे होते हैं कि वो घर नहीं भेजते। उनको पता है कि ये अभी जाएगा, वापस दोबारा नहीं आने वाला है, इसको जितना यूज़ लेना है ले लेते हैं। कई लोग उनका वीज़ा नहीं लगवाते हैं, कई लोग उनकी तनख्वाह दबा के रख लेते हैं, 5-6 महीने की तनख्वाह दबा लेते हैं, तो बंदा फिर मजबूर हो जाता है, ठीक है, या फिर उनको घर से संपर्क नहीं किया जा सकता। एक हमारे चूरू में भी हुआ था, जो बकरी चराने का काम कर रहा था, उसकी हालत देखी नहीं, पेपर में भी आया होगा, आपने सबने देखा होगा, बद्दू उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था। जी हाँ, तो ये लोग क्या हुआ, 8 महीने उनके ऊपर निकल के घर आने की कोशिश थी, लेकिन दोनों को वहाँ का जो उनका रबाब था वो भेज नहीं पा रहा था। जी हाँ, लेकिन उन्होंने फिर यहाँ पे उनके कॉन्टेक्ट, उनके ही कोई जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, चरमेश शर्मा थे, उन्होंने कोशिश की और कोशिश करने में 4 महीने लग गए। राष्ट्रपति भवन तक जाना पड़ा, PM कार्यालय तक जाना पड़ा, विदेश मंत्रालय तक जाना पड़ा, ठीक है जी, ये पूरा प्रोसेस किया। वहाँ पे ये बात लीगल नोटिस के माध्यम से उनको बताई गई कि भाई ये जो अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, ये मानवाधिकार में एक तरह से तस्करी का मामला आता है, समझ गए बात को, कि जो बंदा वर्क परमिट पे गया है, उसका पूरा टाइम हो गया, उसको वापस भेजना चाहिए ना, ये बिल्कुल गलत है, ये अंतर है, ये कानून से रिलेटेड इस बात पे रखी गई, मानव तस्करी का इसमें मामला बनता है अंतर्राष्ट्रीय संधि के हिसाब से। राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया, PM कार्यालय है वहां से भी जेक लगवाया गया, इंडियन एम्बेसी में भी सूचना दी गई, विदेश मंत्रालय से, यानी पूरा तामझाम 4 महीने तक चला, तब जाके इंडियन एम्बेसी ने फिर एक्शन लिया। वहां के जो बद्दू था, एक्शन क्या लेना है भैया, बाप कर, तेरा अग्रीमेंट पूरा हो गया, इनको घर जाने दे, बस यही हो सकता है, और क्या होगा। अगर उनके साथ गलत व्यवहार करता है तो पूरी पुलिस में उसके खिलाफ में FIR दर्ज हो सकती है, समझ गए बात को। तो इस तरह से फिर बद्दू 8 महीने बाद में कोशिश की, 4 महीने इधर कोशिश की, 8 महीने वो समझ सकते हैं, इतने टाइम के बाद में वो जद्दा से बता दूँ शारजा पहुँचे, शारजा से जयपुर पहुँचे वो। जी हाँ, तो कहने का मतलब भाई ये जानकारी आपको इसलिए बतानी पड़ रही है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, होता भी है, तो वो कहीं ना कहीं संपर्क जरूर कर लें। इंडियन एम्बेसी से डायरेक्ट संपर्क करोगे तो उधर से मुझे नहीं लगता आपकी इतनी जल्दी रिस्पॉन्स सुनाई दी जाएगी। तो इससे बेस्ट है कि आपका जो सांसद है, आपके जो MLA साहब हैं आपके क्षेत्र के, वो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई उनका कोई बंदा उनके तहसील का, उनके ज़िले का कोई फंसा हुआ है विदेश में, तो उनकी जिम्मेदारी उनके घर वालों के माध्यम से पहुंचाई जाए, या आपको उनको ईमेल द्वारा या फिर कांटेक्ट करके कैसे भी घर वालों के माध्यम से दबाव दिलवाया जाए, ताकि वो आगे फिर प्रोसेस जो इस तरह का किया गया है वो करके उनको निकाला जाए। ये एक प्रोसेस बनता है लीगल तरीके से। यहाँ से इंडियन एम्बेसी पे जितना प्रेशर पड़ता है ना, उतना आप डायरेक्ट डालोगे तो वो नहीं पड़ेगा। तो इस बातों का आप ध्यान रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद।